शुक्रिया मुझे यहां इस तरह मिलने आने के लिए। फोन करके यहां मिलने के लिए बुलाया, थोड़ा अजीब लगा होगा, लेकिन यह बात घर पे नहीं हो सकती थी। आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद तो बिल्कुल नहीं। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम दोनों के मन में क्या है, समझ रही हैं आप? आप चिंता मत कीजिए, मैंने कहा था ना आपसे कि मैं आपको हारने नहीं दूंगी। ये हुई ना मेरी प्रीति पार्टनर वाली बात। सच कहूं तो जब आपने मुझे फोन करके सच्चाई बताई तो मैं चौंक गया था, आई वाज शॉक्ड। लेकिन फिर आपने प्लान बताया। हाँ प्रीति जी। केटी जी, मैं चंदा राठौर से अभी कॉलेज में मिली। आपको जानकर हैरानी होगी कि नंदिनी ने चंदा को अर्जुन की माँ बनाकर कॉलेज भेजा था। हो ना हो नंदिनी बहुत बड़ा खेल खेल रही है केटी जी, हमें उसकी सच्चाई सबके सामने लानी होगी। मैं ना प्रिंसिपल सर को घर लेकर आ रही हूँ, आज उसके झूठ से पर्दा उठाना ही होगा हम लोगों को। डन, आप जो भी करेंगी मैं आपके साथ हूँ प्रीति जी। चंदा ने तो सब कुछ सच सच बता दिया, लेकिन प्रिंसिपल सर ने नंदिनी को क्यों बचाया, क्यों ऐसा किया उन्होंने? वो नंदिनी की पुरानी आदत है, अपना खेल बहुत होशियारी से खेलती है वो। उसका सच सामने लाना इतना आसान नहीं होगा प्रीति जी। 2 साल उसके साथ रहा मैं, फिर भी समझ नहीं पाया कि वो कितनी चालबाज है, धोखेबाज है वो। 17 साल के बाद वापस आइए लौट कर, ऐसे ही नहीं, कोई बहुत बड़ा प्लान होगा उसके दिमाग में। वही तो हमें पता लगाना है कि उसका मकसद क्या है। मुझे तो लगा था कि वो आपसे प्यार करती है केटी जी। वो नंदिनी है, वो सिर्फ खुद से प्यार कर सकती है और किसी से नहीं। मुझे तो ये भी लगा था कि आप नंदिनी और अर्जुन एक परिवार है, और मैंने सोचा कि सोचा तो मैंने भी है कि अर्जुन, आप और मैं एक परिवार बनेंगे। एक और सच कहूं, मुझे लगा था कि आप भी नंदिनी से प्यार करते हैं, और मैंने सोचा कि मैं आप दोनों को एक कर दूं और आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाती। ऐसा कैसे सोच लिया आपने कि आप मेरी जिंदगी से चली जाएंगी हमेशा के लिए? एक पल के लिए भी ख्याल नहीं आया कि मैं आपके बगैर कैसे जीऊंगा? पत्नी हैं आप मेरी, मेरी जिम्मेदारी हैं आप। मैं जिम्मेदारी और नंदिनी प्यार। मैंने वादा किया था ना आपसे फेरे लेते वक्त कि मैं हमेशा आपका साथ निभाऊंगा। मेरे लिए मेरा वादा, मेरा फर्ज, मेरी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा अहमियत रखता है और कुछ नहीं। रिश्तों को आधा छोड़कर उन्हें तोड़कर जाने वाला मैं नहीं हूं। जख्म खाया हुआ हूं, जानता हूं वो दर्द क्या होता है जब कोई अपना रिश्ता तोड़कर चला जाता है।
वादा तोड़कर जब कोई जाता है तो वो दर्द क्या होता है मैंने महसूस किया है वो, और उस दर्द से मैं कभी आपको नहीं गुजरने दूंगा प्रीति जी, कभी नहीं, क्योंकि वो आप ही तो हैं जिसने हमेशा मेरा साथ दिया है। आप उस पल भी मेरे साथ खड़ी रही थी जब मैं खुद अपने साथ नहीं था, मेरे हर कमजोर पल में मैंने आपको मेरी ताकत बनकर मेरे साथ खड़ा पाया है। वो दीवानगी या पागलपन नहीं था जब बिना आपके बारे में सोचे समझे मैंने आवेश में आके आपकी मांग में सिंदूर भर दिया था, वो बेवकूफी थी, लेकिन तब भी आप मेरे साथ खड़ी हुई थी क्योंकि जानती थी आप कि अगर उस वक्त आप मेरे साथ नहीं खड़ी रहती तो मैं टूट जाता, बिखर जाता। प्रीति जी आप आज भी आप मेरे साथ खड़ी हैं, मेरी तरफ आती हुई हर मुश्किल का सामना करने के लिए मेरी ढाल बनकर खड़ी हो जाती हैं आप, तो फिर आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं आपको जाने दूंगा, आपको छोड़कर मैं नंदिनिया किसी और के साथ रहना चाहूंगा कैसे, और ये सब मैं किसी भावनाओं में बहकर या किसी एहसान तले नहीं बोल रहा हूं, दिल की सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको। मानता हूं कि मैंने आपको इस रिश्ते में बांधा है, लेकिन अब तो बन चुके हैं ना हम, तो आप इस रिश्ते को जो भी नाम देना चाहें, पार्टनरशिप, दोस्ती, केयर, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, जो भी नाम देना चाहें आप, उसकी इज्जत करते हुए आज आप मुझसे एक वादा कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए आप मुझे छोड़कर जाने के बारे में कभी सोचेंगी नहीं, ऐसा ख्याल कभी आया भी तो भी उस ख्याल को रफा दफा कर देंगे, वादा कीजिए, प्रॉमिस। प्रीति प्रॉमिस। अजीब है ना हमारा रिश्ता, एंगेजमेंट रिंग नहीं, वेडिंग रिंग नहीं, घास फूस से बनी ये प्रॉमिस रिंग ही सही, क्यों? क्या है आप प्रीति जी? जो भी हूं जैसा भी हूं अब आपकी कुंडली का हिस्सा हूं प्रीति जी, काम तो चलाना पड़ेगा।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।